अच्छा सुनो, पता नहीं कैसी आवाज आ रही है, मैं तुम्हें अभी कॉल करती हूँ। केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उन महिलाओं और बच्ची के साथ जो हुआ है, एक्सपीरियंस चाहिए ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सर जाएंगे नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे सर? सर डेस्क जॉब करने और पेपर भरने पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं किया है, फील्ड पे जाना है सर। वैसे भी एक औरत की तकलीफ एक औरत ही समझ सकती है। लेके चले ना सर, हम संभाल लेंगे। बैठो फिर। थैंक यू सर। आज इतना ब्रूटल केस मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। इन सालों को छोड़ना नहीं है बाजी। सर कल रात 12:30 के आसपास यहाँ डकैती हुई सर, 3 डकैत यहाँ घुसे सर, सारा सामान तो चुराया ही, पर साथ में सर घर की 3 औरतों के साथ बलात्कार भी किया सर, और वो भी घर के मर्दों के सामने सर। अलावत, कमलेश के साथ तुम सबका स्टेटमेंट लो। कबीर, मलजीत, एक फॉरेंसिक पर नजर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विक्टिम कहाँ है? सर ऊपर सर। सुनो, मेडिकल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये बच्ची का नेम है सर। ये देखिए सर, क्या किया हम लोगों ने, ये हमारी माँ है और ये हमारी पत्नी। नहीं सर, अपने प्रदेश में ना कोई सुरक्षित नहीं है सर, अपने घर में भी। एक सेकंड, इधर आइए, आइए। देखिए हम समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं सर, नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता। हमारी पत्नी, हमारी बहन सिर्फ 17 की है सर। उन बेटियों ने ना उनकी सोच का है सर, क्योंकि ये आगे
देखते रहे सर, उन मेहमानों ने ना हमारी माँ को भी नहीं छोड़ा सर। माँ हमें मर जाने, आत्मा तो मर ही चुकी है, शरीर का क्या करूंगी, मरी जाए तो मुझे माँ, मरी जाने दो। अविनाश सर, मैंने बड़ा आपका नाम सुना है, अब आप ही हमें न्याय दिलवाई। ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गया? अजी चेहरे ढके हुए थे उनके, तो शक्ल का पता नहीं। और विचित्र केस है, लूटपाट मचानी थी तो बारात का क्या बोली बुजुर्ग से? कबीर सब जरा पता करो कि जैन साहब की कोई प्रोफेशनल लाइबलरी तो नहीं है। ठीक है सर। और वो तीसरी कहाँ है, क्या नाम था? पारुल, हॉस्पिटल में बाजे होश में नहीं आई और बहुत बुरी हालत है। डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या आपने उनमें से किसी का चेहरा देखा? शायद उनमें से किसी एक का चेहरा पारुल ने देखा है। ये सारे फोटोग्राफ्स आप यूपी के सब जिलों में सर्कुलेट करा दीजिए। सारा ज्वेलरी एसोसिएशन आपके साथ है, आप कुछ भी करके पकड़िए। ठीक है। हाँ मैम प्लीज अभी बाहर जाइए प्लीज मैम। वो सालों को कोई ना कोई तो उल्टी करेगा। सर कानपुर के सर्राफा मार्केट में जो गुफरान ज्वेलर्स है उस पर फोटो भेजा था, उसका कंफर्मेशन आ गया है सर। एक लड़की बहुत सारी ज्वेलरी लेके आई थी। गली में चेक करो।
शादी हो रही। साला ये अहम मौका था इनको पकड़ने का, हाथ से निकल गया। अब ये कहीं नेपाल बांग्लादेश न भाग जाए। सर नेपाल भागे या कोनो और देश, इन चोदों को छोड़ेंगे नहीं अब। सॉरी सर। पारुल बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है, तुम अब घर जा सकते हो। तीन दिन की थी मैं जब मेरा बापू मुझे खेत में गाड़ने के लिए ले गया था। एक तो लड़की, ऊपर से नीच जात, वो तो ऐन वक्त पे आके बुआ ने मिट्टी से बाहर निकाल लिया। बापू को ये कलंक अपने मत्थे नहीं मारना था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। इस समाज ने कई बार मुझे उस मिट्टी में गाड़ने की कोशिश की है, पर मैं अपनी मेहनत से हर बार ऊपर उठी हूं और अपने आप को इस काबिल बनाया है कि अपने और दूसरों के लिए खड़ी हो सकूं। हम सब तुम्हारे साथ हैं पारुल।